bahaya tu saya tak kenilah. आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी, इसमें है मीरा भाईंदर, भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्य गृह के बाहर, जहां पे महायुति का एक मिलावा हुआ। तो कहीं ना कहीं इस मिलावा के जरिए यहां पे शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया कि किस तरह से महायुति का जो भी उम्मीदवार थाने लोकसभा सीट पे आएगा उसे भारी मतों से जिताया जाएगा। इसी के बारे में आज जानकारी देने के लिए मैं आपको बता दूँ कि प्रवक्ता दीपक केसरकर ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी और 146 के विधायक प्रताप सर नाइक ने क्या कहा। अच्छा, ये मेलावा रहा और इसमें जो उपस्थिति थी वो अब मैंने बहुत सारे ऐसे पार्टी के प्रमुख नेताओं के गेट टुगेदर रहते हैं या जिसको मेलावा बोलते हैं हम लोग मराठी में, वो देखे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि इतने इंस्पायर होके लोग आ सकते हैं और महायुति की तरफ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाते हैं, इकट्ठा रहते हैं और एक साथ मोदी जी को ताकत देने की बात भी करते हैं। तो मुझे ये यकीन है कि ये मुख्यमंत्री जी का मतदार संघ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लीड पूरे महाराष्ट्र में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा और इसके लिए मैंने कार्यकर्ताओं को पहले ही बधाई दी है। देखिए, हमने आज ही अनाउंस किया है कि मोदी साहब उम्मीदवार है, ऐसे ही समझ के सबको काम करना है। जो भी उम्मीदवार होगा वो आदरणीय फडणवीस जी, आदरणीय अजीत दादा जी और मुख्यमंत्री जी इकट्ठा मिलके डिक्लेयर करेंगे और जो भी उम्मीदवार होगा वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लीड लेके जीत के। हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी हमारे महायुति के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ कि 24 घंटे पहले उनको मैसेज दिया गया और इस मैसेज के माध्यम से सभी लोग इतनी बड़ी संख्या पे आए। आप देख रहे हो कि पूरा लता मंगेशकर नाट्यगृह नीचे ऊपर फुल भर के लोग नीचे बैठे हुए, ये परिस्थिति है। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हमारे ठाणे लोकसभा का कभी इलेक्शन आता है और कभी हम वोटिंग के लिए उतरते हैं और हमारा जो उम्मीदवार, जो भी महायुति का उम्मीदवार होगा वो कब फाइनल होगा। भले जो भी उम्मीदवार हो, हम ये नहीं कहते कि हमें उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, तीसरे किसी को। हम तो यही नज़र में रखते हैं कि हमारा उम्मीदवार जो है आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है और हमारा जो पार्टी है वो महायुति की पार्टी है। वो शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, RPI हो, हमारे सभी विचारी पार्टी के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। मंच पे पहली बार मीरा भाईंदर शहर में एक व्यासपीठ पे इतने सारे पार्टी के नेता एक साथ मिले, ये पहली बार होगी, तो ये कभी होता नहीं है। देखिए, चार चार पाँच पाँच विधायक थे, दो बार सांसद के लिए चुने हुए हमारे संजीव नाइक जी, आनंद परांजपी जी थे, हमारे पालक मंत्री केसरकर साहब थे, निरंजन डावखरे थे, हमारे नरेश वंश के रविंद्र फाटक से लेके हमारे RPI के सभी नेतागण यहाँ पे थे। तो जयप्रकाश जी थे जो भारतीय जनता पार्टी के चार लोकसभा चुनाव के प्रमुख हैं, हमारे विकास महंते साहब थे जो नरेंद्र मोदी जी के रूप सभी लोगों को दर्शन देते हैं। पहले तो सभी ने यही देखा कि मीरा भाईंदर की जनता बराबर हमारी काम कर रही है कि नहीं, ये देखने के लिए मोदी जी ने इनको भेजा है। तो ऐसे ही जो चित्र है ये मीरा भाईंदर शहर में हो गया है। और आप जानते हो कि पिछली इलेक्शन में हमारे मीरा भाईंदर शहर से करीबन 1,61,000 का जो है मार्जिन हमें हमारे कैंडिडेट को मिला था। तो इस वक्त तो वो मार्जिन 2 लाख से अधिक वोटों से होगा, ये हमें मीरा भाईंदर की जनता के माध्यम से बताना है। और अभी तो हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, हमारे साथ RPI भी है, तो इस माध्यम से ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो भी उम्मीदवार हमारा होगा उसके विजयी होने की हम आशा रखते हैं। कि हम यही कहते हैं कि 4 जून को सिर्फ देखना है कि पिछले इलेक्शन में जो 4,10,000 का मार्जिन मिला था वो मार्जिन हमको 5 लाख तक लेके जाना है और उस माध्यम से सभी कार्यकर्ता काम पे लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि इसो
इसे ही कैंडिडेट को फाइनल करो। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी होगा महायुति का उम्मीदवार होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान तीसरी बार देखने के लिए ये हमारे जो कार्यकर्ता तरस रहा है उसका दिल का उम्मीदवार होगा। और निश्चित रूप से जल्दी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और हमारे रामदास जी आठवले जो केंद्रीय मंत्री है उनके माध्यम से उम्मीदवार। देखिए, ये लोकसभा के चुनाव की पूर्व तैयारी के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को एक आह्वान था कि उम्मीदवार कोई भी हो, हमारे लिए उम्मीदवार मोदी है और हम सब ने मिल के यहाँ से मोदी जी को जिताना है। हमारे यहाँ से जो 400 पार का नारा है वो बुलंद कर दिया हमने आज, 45 पार का महाराष्ट्र का नारा हमने आज बुलंद किया है और हमें पूरा विश्वास है ठाणे लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा वोटों की लीड लेके मोदी जी के लिए हाथ ऊपर करने वाला उम्मीदवार यहाँ से भेजेंगे हम। मैंने कहा हमारे उम्मीदवार मोदी जी है तो हम मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार ऑलरेडी डिक्लेयर।